नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, जो लोग फर्स्ट बार फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं, यानी कि रिसेंटली उनका क्रेडिट कार्ड आया है और ट्रांजैक्शन भी किए हुए हैं, वो लोग के मन में एक बात जरूर चलता होगा कि अभी तो हमने ज्वाइनिंग फी पेमेंट कर दिया है, उसके कितना दिन बाद एनुअल फी हमें पेमेंट करना होगा और क्या ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी सेम होगा। सारा कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के नए नए वीडियो हम क्रेडिट कार्ड बैंक से रिलेटेड लाते रहते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे एक फोटो दिख रहा होगा जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि मेरा जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का ज्वाइनिंग फी पेमेंट हुआ है 500 रुपया प्लस 90 रुपया GST, यानी टोटल 590 रुपया ज्वाइनिंग फी लगा है। आप देखिए, एक और फोटो स्क्रीन पर लगा रहे हैं जिसमें देख लीजिए, ये रहा एनुअल फी। एनुअल फी भी सेम है, 500 रुपया प्लस GST 90 रुपया, यानी टोटल 590 रुपया। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी में कोई डिफरेंट नहीं होगा, दोनों सेम होगा। फोटो है, उसमें आप डेट मिला लीजिए। ज्वाइनिंग फी का जो डेट है वो 20 अप्रैल है, लेकिन 20 अप्रैल 2022 है। और अब ये फोटो में देखिए, इसमें अब एनुअल फी है, इसमें भी 20 अप्रैल है, लेकिन 20 अप्रैल 2023। एक साल मेरा क्रेडिट कार्ड का हो चुका है और जिस डेट में आपका ज्वाइनिंग फी कटा था उसी डेट में आपको अगले साल आपका एनुअल फी भी कटेगा। अब हमें उम्मीद है कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।